हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो नई अपडेट लेके आया हूँ, दैट इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वो एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी दो तीन इंस्टीट्यूट है मेरे पास आज आप लोगों के लिए। मतलब बम्पर वैकेंसीज हैं, ऐसे बोल सकते हैं आज के आप लोगों के लिए। और 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज के लिए। PhDs के लिए अलग वैकेंसीज हैं, नेट क्वालिफाइज के लिए अलग वैकेंसीज हैं। तो हर कोई चाहता है आज के समय में कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन में हमें काम करने का मौका मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छे ग्रोथ के चांसेस मिले। तो आज की जो वैकेंसीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। और दोस्तों, किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लगातार अप्लाई करते रहें। कभी कभी ये मायूस ना हो कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे कॉल तो आ नहीं रही है। दोस्तों, आज की डेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लगातार अप्लाई कीजिए। आप मेरे चैनल पे हो, उम्मीद के साथ आए हो, उम्मीद जरूर पूरी होगी आपकी। बस लगातार आपने अप्लाई करते रहना है, लगातार मैं आप लोगों के लिए जॉब्स लेके आता रहूंगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स को शेयर भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अब ले आया हूँ पेज पे। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है ये, और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, पैरा मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, डेंटल डिपार्टमेंट में हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज डिपार्टमेंट्स में हैं, लॉ डिपार्टमेंट में हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, होम साइंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट में, अदर्स और नॉन टीचिंग कैडर्स में। ढेर सारी आप वैकेंसीज यहाँ आप लोगों को दिख रही होंगी। तो अब थोड़ा समय जरूर देना है। देखो दोस्तों, नौकरी ऐसे तो मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ मैं आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के लेके आता रहता हूँ। लेकिन आपने तसल्ली से देखना है वीडियो, और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मेडिकल में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर डिपार्टमेंट में ऐसे कहूंगा मैं, यहाँ जॉब्स ओपन हैं, आप जरूर अप्लाई कीजिए। पैरामेडिकल में भी ये तीनों कैटेगरी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए वैकेंसीज निकली हैं। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सभी में ये निकली हुई है। डेंटल डिपार्टमेंट में सारे डेंटल में भी सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। नर्सिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं। उसके लिए PhD इन नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप लोगों की होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वो ऑर्थोपेडिक्स में और स्पोर्ट्स मेडिसिन में या न्यूरोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेज में जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें आप लोगों की स्पेशलाइजेशन नेचुरोपैथी और योगा में होनी चाहिए। MD होनी चाहिए, साथ में 8 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट में भी सभी वैकेंसीज निकली हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है LLM प्लस PhD या फिर नेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब्स हैं, उसके लिए आपकी EEE स्पेशलाइजेशन फूड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। MTech और PhD दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिजाइनिंग में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में PhD। फाइन आर्ट्स के लिए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट होना चाहिए आपका। फैशन डिजाइनिंग में मास्टर ऑफ फाइनेंस आर्ट्स में आप लोगों की होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन। जर्नलिज्म में भी आप लोगों का अगर स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन रिसर्च में होना चाहिए या प्रिंट मीडिया में होना चाहिए। नेट और PhD दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकली है, उसके लिए MEd होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेट और PhD होनी चाहिए इन एजुकेशन, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट्स में पेडागॉजी ऑफ साइंस, पेडागॉजी ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेजेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सभी डिपार्टमेंट्स में
फिजिकल एजुकेशन में भी वैकेंसी निकली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर एनसीटीई नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूडो, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, कबड्डी, ये सारे आप लोगों को स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। साइंस में, साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब्स निकली हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जॉलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, उसके लिए बीएससी, एमएससी विद पीएचडी आप लोगों की होनी चाहिए। लेकिन जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन की है उसके लिए एमसीए होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं है। होम साइंस के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी की होनी चाहिए आपकी विद नेट, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में एमएससी विद नेट होनी चाहिए। मैनेजमेंट में आप लोगों की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अदर्स में सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, न्यूरो सर्जन, यूरो सर्जन, मतलब ढेर सारी हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर, लैब टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा या डिग्री आप होल्डर होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम कोच चाहिए टाइकोंडो, बॉक्सिंग, खो खो वगैरह के लिए, और इसके अलावा ट्रेनर चाहिए ईसीई, जिनके लिए जिसके लिए डिप्लोमा या आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, ओके। नॉन टीचिंग में अब जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों के लिए निकली हैं, क्यूए, क्यूएसी डायरेक्टर, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिसिटी एंड प्रिंटिंग डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में नेट सीनियर डेवलपर की है, क्लर्क की है, ठीक है। क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, कंप्यूटर से भी होने चाहिए, साथ में आपकी इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड मास्टर एंड सिस्टर की वैकेंसीज है, उसके लिए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है पॉलिटेक्निक में, हर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ईआरसीपी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिर डेंटल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट है, डेंटल हाइजेनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा लैब जो असिस्टेंट है फैशन एंड टेक्सटाइल में, उसके लिए +2 होनी चाहिए, सिंपल, ओके। लैब असिस्टेंट जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सीएससी में है, उसके लिए डिप्लोमा या आईटीआई होनी चाहिए आपकी। और लैब असिस्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए या बीसीए आप लोगों की होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में भी निकली है, उसके लिए बीएससी इन लैब असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर, जॉलॉजी, बॉटनी, उसके लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। तो एप्लीकेंट फॉर फैकल्टी मस्ट हैव पीएचडी एंड और नेट क्वालिफाइड विद गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन। ऑल एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई इन कॉन्फिडेंस विद लेटेस्ट बायोडाटा एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। व्हेन कमिंग टू अपियर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, एप्लीकेंट मस्ट कैरी ए सेट ऑफ क्रेडेंशियल। जब भी आप इंटरव्यू के लिए आएंगे अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आपने आने हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एलिजिबल कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हैं टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद देयर सीवी, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स 10 दिन के अंदर अंदर और एट द फॉलोइंग ईमेल्स। फॉर सीनियर पोजीशंस के लिए ईमेल आईडी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फैकल्टी पोजीशंस के लिए अलग ईमेल आईडी है, नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए अलग ईमेल आईडी है। सैलरी बहुत हैंडसम रहेगी दोस्तों, और रेजिडेंशियल मतलब आपको रहना फ्री होगा यहाँ पे, बिजली फ्री होगी, सिक्योरिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी विद इन द कैंपस, जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिल्ली। बाकी डिटेल जो है आपको www.subharti.org इनकी जो साइट है वहां पे आप लोगों को सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, और वहां से आप देख सकते हैं और भी ज्यादा डिटेल्स दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के लिए असिस्टेंट ऑफिसर की है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइजन में, सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपया। दो वैकेंसीज हैं, दोनों अनरिजर्व्ड हैं, और ये जो वैकेंसीज हैं ये आरईडी लिमिटेड में निकली है। आरईडी लिमिटेड एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और वेल एक्लेम्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहता था, 13/9/2021 देखिए यहाँ पे दोज इंटरेस्टेड विजिट कैरियर टैब ऑन www.recindia.nic.in फॉर फर्दर डिटेल्स। बाकी देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सेक्टर एक्सेट्रा एंड फॉर अप्लाइंग, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 सितंबर 2021 है बाय 6 PM एंड फॉर हार्ड कॉपी के लिए 13 सितंबर 2021 है। और ये आरईसी लिमिटेड की तरफ से गुड़गांव हरियाणा की तरफ से ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आई हुई है, तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है रामैया कॉलेज ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अफिलेटेड टू कर्नाटका स्टेट ऑफ लॉ, स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी,
हुवाली। ओके, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। सो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी नॉर्म्स, पे स्केल एज पर यूजीसी पे स्केल एंड अलाउंसेज एज पर इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सेंड योर रिज्यूमे फॉर द पोस्ट बाय ईमेल टू ce@msrcl.org within 10 days from the date of the advertisement. So friends, my dear friends, I wish best of luck to all of you. और अगर आप लोगों को आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ ऑल जॉब्स। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।